Assalamu Alaikum, students. Hope you all are fine and hope you all are doing well. Today's topic is a brief history of scientific psychology. As with all sciences, scientific psychology can claim philosophy as one of its parent disciplines by the middle of the 1800s. However, psychology grew away from philosophy to become a science. Let's look briefly at this history. अब ब्रीफ़ हिस्ट्री ऑफ साइंटिफिक साइकोलॉजी की हम बात करें तो मैंने आपको बताया था कि साइकोलॉजी और फिलासफी दोनों ने दोने, दोनों दोनों अटैच थी एटीन हंड्रेड्स में साइकोलॉजी को फिलासफी से अलग करके एक साइंस सब्जेक्ट के तौर पर इंट्रोड्यूस कराया गया था आइए आगे चल के देखते हैं हिस्ट्री इसकी द फिलासफी ऑफ एम्पेरिसिजम एम्पेरिसिजम क्या है द व्यू दैट ऑल नॉलेज एंड थाट्स कम फ्राम एक्सपीरियंस एम्पेरिसिजम का मतलब है कि नॉलेज जो है वो और थाट्स जो हैं वो आपको एक्सपीरियंस के थ्रू मिलता है एक्सपीरियंस कैसा कि एक्सपीरियंस जब आप अपने फाइव सेंसेस के थ्रू किसी भी चीज़ का एक्सपीरियंस करते हैं तो आपको नॉलेज मिलता है पेट हैव द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिलासफिकल क्वेश्चन इन साइकॉलॉजी इज़ द नेम ऑफ नॉलेज एंड हाउ ह्यूमन बींग्स वॉन्ड नॉलेज इन द सेवनटीन सेंचुरी हाउ एवर द इंग्लिश फ़िलासफर जोहन लॉग इस्टेब्लिश द व्यू नॉलेज एंड थाज एमसिज्म माइंड बिगिन एज ऐ टर रेट और टू विच एक्सपीरियंस रॉन्टेंट्स ऑफ द माइंड अब जॉन लॉक ने एक कॉन्सैप्ट दिया था ब्लैक स्लेट का कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसका दिमाग जो होता है वो एक साफ शफाफ मोमी तख्ती की माने होता है जिसको उसने टेबुलर रसा कांसेप्ट दिया था अब उसका कहना था कि जब बच्चा जो है पैदा होता है उसका दिमाग बिल्कुल क्लीन होता है मोमी तख्ती की मानंद तो जब बच्चा आहिस्ता आहिस्ता जो है अपने आउटर वर्ल्ड से एक्सपीरियंसेस अपने सेंसेस के थ्रू गेन करता है तो नॉलेज हासिल करता है वो दिस व्यू दैट द माइंड सिंपली रिसीव्स व्हाट आवर सेंसरी ऑर्गन्स आइज ईयर्स नोस स्किन एंड टंग एक्सपीरियंस एंड टेक इन फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन फिलोसफी एज़ मच ऑफ साइकोलॉजी तो इसके अकॉर्डिंग जो है बच्चा पैदा होता है तो उसके उस वो उसका जो दिमाग होता है वो बिल्कुल साफ होता है तो जब वो अपने सेंसेस के थ्रू एक्सपीरियंस करता है आउटर वर्ल्ड्स से चीज़ों को तो फिर उसका जो है नॉलेज में इजाफा होता है आ गया जी साइको फिज़िक्स <laughs> साइको फिजिक्स द फर्स्ट साइंटिफिक फॉर्म ऑफ साइकोलॉजी लेबॉर्टरी स्टडीज ऑफ द सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ फ़िज़िकल सेंसेशंस साइको फिजिक्स है The size of establishing quantitative relationships between physical stimulation and psychological events. Physics have basically physical stimulation and psycho. Jo hai, psychology and physics. Psychophysics jo hai, wo psychology or physical stimulation a relationship between psychology and physical stimulation. German psychophysics researchers in the 1820s focused on the sensations of touch, vision, hearing, and smell. टू कंपेयर साइको फिजिक्स एंड फिजिक्स इफ फिजिस स्टडी द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट एंड साउंड साइको फिजिस स्टडीज ह्यूमन परसैप्शन ऑफ लाइट एंड साउंड अब वहाँ पर वो कहते हैं कि जो फिजिस होते हैं जब वो प्रॉपर्टीज़ लाइट एंड साउंड की देख रहे होते हैं तो साइको फिजिस जो हैं वो स्टडी करते हैं ह्यूमन परसप्शन एंड लाइट ह्यूमन परसैप्शन जो है लाइट एंड साउंड के बारे में मतलब ह्यूमन के साइकी के हवाले से बात करते हैं one important principle of psychophysics is that perception of physical property is not the same as the physical properties themselves to demonstrate let's consider the classic question what weighs more a pound of feathers or a pound of bricks you might be thinking how dumb do they think i am i have heard that so many times they weigh the same a pound is a pound maybe for the answer is true only for the objective physical property of weight द परसीव्ड वेट ऑफ द टू असाइकोलॉजिकल प्रॉपर्टी वुड बी वेरी डिफरेंट कॉन्ट्रेड टू कॉमन सेंस वीपल एस्टिट ऑफ बोथ आइटम्स आर एम्पेरिकली टेस्टेड पीपल थिंक अ पाउंड टू टू थ्री टाइम्स एज मच एज अ पाउंड ऑफ फीदर्स अब यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है कि अगर हम लोग देखें कि फीदर और हमारे पास हैं ब्रिक्स के इनका पौंड इनका जो वेट है वो इक्वल हो सकता है ऐसा नहीं है कि इनका वेट जो है वो इक्वल हो सकते हैं साइको फिजिक्स इज ऑल अबाउट दिस रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल वर्ड्स अब साइको फिजिक्स जो है वो हमें ह्यूमन जो है उसके परसेप्शन के हवाले से बताती है कि ह्यूमन का परसेप्शन क्या है फिजिकल स्टिमुलेशन के हवाले से इन एसेंस द साइंटिस्ट हु फर्स्ट डिवेलप साइको फिजिक्स वेबर फिशनर एंड हरमन वॉन हेम वर् द फर्स्ट साइको साइकोलॉजिस्ट वेबर अ दडन रियलाइजेशन इन एटीन फिफ्टी स्टडी द साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल वर्ड्स इन न्यू डिसिप्लिन ही कार्ड साइको फिजिक्स फिचनर वेंट ऑन टू रिफाइन समिस्पल्शन आगे जी है विलहम वॉन्ट हमारे पास विलहम व्या काम किया था इसने स्ट्रक्चुअलिज्म और इंट्रोस्पेक्शन की बात की थी साइकोलॉजी ब्लॉसम इन अ फुल्स साइंस विद द हेल्प ऑफ विलहम वॉन्ट इन एटीन सेवनटी नाइन रिमेंबर दिस डेट वुडन सेंट अपर साइकोलॉजी लेबॉट्री इन लिजजिंग जर्मनी नाउ कंसिडर्ड द बर्थ प्लेस ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि विलहम वोंट ने एटीन सेवेंटी नाइन में एक लेबॉट्री जो थी वो जर्मनी में लिबजिंग के मकाम पर क़ाय की थी ऑल दो अदर्स वेंट बिफोर वुडेंट ही इज़ क्रेडिटेड विद गिविंग साइकोलॉजी इट्स इंडिपेंडेंस फॉर्म फिलोसफी एंड फिजिलॉजी वुडन क्रेडिड अ प्लेस वेयर द बेस्ट यंग माइंड्स कुड लर्न द साइंस ऑफ साइकोलॉजी एंड कम टू लर्न दे डेड वुडन सिंगल हैंडली ट्रेंड मोर देन वन एटी स्टूडेंट्स इन द लेबॉर्ट्री अब वुडन ने एक ऐसी जगह बनाई थी जहाँ पर जो था लोग जो थे नॉलेज आके हासिल करते थे इसने अकेले ने वन एटी स्टूडेंट्स को जो थी लेबॉर्ट्री में ट्रेन किया था और कंसिडर किया जाता है ये फादर ऑफ साइकॉलॉजी फाउंडर ऑफ मॉडर्न इसके अलावा इसने लेबरटरी बनाई थी ही शोज दैट साइकोलॉजी गुड बी अ वैलिड एक्सपेरिमेंटल साइंस इसके अलावा इंट्रोस्पेक्शन की बात की थी इसने उसके बाद है विलियम जेम्स एन अमेरिकन जी स्टैनले हॉल वॉज वन हु वेंट टू जर्मनी टू लर्न फ्राम वारवर्ड आल्सो स्टडीड द विद विलियम जेम्स हु इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ साइकोलॉजी इन द यूनाइटेड स्टेट्स hall holds the distinction of earning the first phd in 1878 in psychology as james student. he opened the first psychology laboratory in the united states at johns hopkins university in baltimore, establishing psychology as a science in this country. he also founded the american psychological association and became its first president in 1892. 1892 makes the first president ke another of William James students Mary विटन Calkins eighteen sixty three to nineteen thirty became the first female president of APA in nineteen zero five आगे है जी स्ट्रक्चरलिज्म एंड फंक्शनलिज्म ये आप लोगों को स्कूल ऑफ तौर पर मैंने पढ़ाए थे स्ट्रक्चरलिज्म एंड फंक्शनलिज्म के बारे में कि स्ट्रक्चरलिज्म जो है उसमें माइंड और बिहेवियर के स्ट्रक्चर की बात की जाती है और फंक्शनलिज्म जो है उसमें ब्रेन के फंक्शन की बात की जाती है Structuralism, 19th century school of psychology that argued that breaking down experience into its elemental parts offered the best way to understand thought and behavior. Structuralism concerned with the discovering the structure of the mind. Structuralism wale jo hai, wo baat karte hai mind ke structure. Ki. According to structuralism, breaking down experience into its elements, elemental parts offers the best way to understand thought and behavior structuralists believe that a detailed analysis of experience as it happened provides the most accurate glimpse into the workings of the human mind. Their method was introspection looking into one's own mind of information about the nature of conscious experience. introspection is named Introspection, the main method of investigation for structuralists, इट इन्वॉल्व लुकिंग इन टू वन ओन माइंड फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट द नेचर ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस इंट्रोस्पेक्शन में इंसान जो है वो मुशाहिदा बातें करता है अपना आगे जी है फंक्शनिज्म दे कंसर्न विद डिस्कवरिंग हाउ द माइंड वर्क्स। जहाँ पे स्ट्रक्चरलिज्म में माइंड के स्ट्रक्चर की बात की गई है वहाँ फंक्शनलिज्म में माइंड के फंक्शन की बात की गई है Functionalism 19th century school of psychology that argued it was better to look at why the mind works the way it does than to describe its parts Functionalists thought it was better to look at why the mind worked the way it did rather than to describe its parts The functionalists asked why do people think feel or perceive and how did these abilities come to be फंक्शन यूज इंट्रोस्पेक्शन एज वेल इन्होंने भी इंट्रोस्पेक्शन मुशाहिद बातिन की बात की थी उसके बाद है जोहन बी वाटसन बिहेवियरिज्म बिहेवियरिज्म भी आपका एक स्कूल ऑफ थॉट है स्कूल ऑफ साइकोलॉजी दैट प्रोपोज दैट साइकोलॉजी कैन बी अ ट्रू साइंस ऑनलीफ इट इफ़ इट एग्जाम ऑब्जरवेबल बिहेवियर नॉट आइडियाज थॉट्स फीलिंग्स और मोटिवस अब बिहेवियरिज्म वाले बात करते हैं बिहेवियर की वो चीज़ें वो हरकत जो काबिल मुशाह हैं बिहेवियरिज्म इन नाइनटीन थर्टी नाइन लिटल नॉन थर्टी फोर साइकोलॉजिस्ट जोहन वाटसन डायरेक्टली चैलेंज द यूज ऑफ़ इंट्रोस्पेक्शन। ही फाउंडेड बिहेवियरिज्म विद अजर्स दैट साइकोलॉजी कैन बी अ ट्रू साइंस ओनली इफ इट एग्जामिन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर नॉट आइडियाज थॉट्स फीलिंग्स और मोटिवस अब यहाँ पे इसने बात की थी कि साइकोलॉजी जो है वो तॉर्ड फीलिंग्स और मोटिस् का नाम नहीं है बल्कि साइकोलॉजी जो है वो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर का नाम है इन वर्डसेंस व्यू सच मेंटल एक्सपीरियंसिस और ऑनली हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट एज दे कैन नॉट बी डायरेक्टली मैर्ड एज लॉन्ग एज साइकोलॉजी फोकसड ऑन सच इंटरनल स्टेट्स इट वुड फॉर एवर बी आर फेल फॉर साइंस अकॉर्डिंग टू वर्डसन अब बिहेवियरिज्म पे वर्डसन स्किनर ने मिलकर काम किया था Behaviorism is an extreme form of envi environmentalism the view that our behavior comes from experience it is the school of psychology that most clearly expresses john locke's ideas about our minds being a blank slate Again, humanistic and positive psychology humanistic psychology a theory of psychology that focuses on पर्सनल ग्रोथ एंड मीनिंग एज अ वे ऑफ रिसर्चिंग रीचिंग वंस हाइस्ट पोटेंशियल ह्यूमनिस्टिक किसकी बात करते हैं ह्यूमनिस्टिक इंसान की बात करते हैं बेस्ड ऑन वर्क ऑफ मेस्तो एंड रॉजर्स इस पर ज़्यादा काम मेस्तो एंड रॉजर्स ने किया था फोकस इज ऑन पर्सनल ग्रोथ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट सेल्फ कॉन्सैप्ट की बात की थी उन्होंने द ह्यूमनिस्टिकस्पेक्टिव इज ऑफन एम्पसाइज अमोंग साइकोलॉजी वर्किंग इन द मैंटल हेल्थ फील्ड Rogers proposed an alternative called humanistic psychology. Rogers and Maslow introduced which promoted personal growth and meaning as a way of reaching one's highest potential. Positive psychology shares. positive psychology, it based on work of Martin Seligman and others, studies how to contribute to optimal functioning and to counterbalance traditional emphasis on problems and disorders. पॉजिटिव साइकोलॉजी साइंटिफिक अप्रोच टू स्टडिंग अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोमोटिंग हेल्दी एंड पॉजिटिव साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग पॉजिटिव साइकोलॉजी जो है वो पॉजिटिविटी की बात करती है पॉजिटिव साइकोलॉजी शेयर्स विद द ह्यूमनिजम आई बिलीव दैट साइकोलॉजी शुड फोकस ऑन स्टडिंग अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोमोटिंग हेल्दी एंड पॉजिटिव साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग इट डज सो विद अ बेटर अप्रिसिएशन दैट ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी फॉर द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग वेल बींग फ्रॉम आर साइंटिफिक परस्पेक्टिव Humanistic psychology is an approach to psychology that emphasizes people's inborn desire for personal growth and their ability to, to consciously make choices. Humanistic psychology is And positive psychology is a relatively new approach to psychology that studies how people find mental health and happiness in their everyday life. पॉजिटिव साइकोलॉजी वाले पॉजिटिविटी की बात करते हैं किस तरह जो है इंसान मेंटल हेल्थ एंड हैप्पीनेस जो है वो हासिल कर सकते हैं इन एवरीडे लिविंग में आगे जो है कागनेटिविज्म कॉग्निशन जो है वो आपकी थिंकिंग के बारे में बात करते हैं कि कॉग्नेटिज़म दो इवेंट्स इवेंट देम इन द माइंड्स ऑफ साइकोलॉजिस्ट हाउ एवर फर्स्ट इन द नाइनटीन टवेंटीज़ एंड नाइनटीन थर्टीज़ आउ मूवमेंट इन जर्मनी कार्ड साइकोलॉजी अट्रैक्टेड वर्ल्ड वाइड अटेंशन काग्नेटिविज़म कैन बी डिफाइंड एज अ स्टडी इन साइकोलॉजी दैट फोकस ऑन मेंटल प्रोसेस इंक्लूडिंग हाउ पीपल थिंक परसीव एंड लर्न टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड डायरेक्ट देर अटेंशन टू वन स्टमस रादर दैन अनदर कागनेटिविज़म जो है वो काग्निशन की बात करते हैं किस तरह इंसान जो है वो थिंकिंग है उसकी किस तरह वो परसीव करता है चीज़ों को किस तरह से लर्न करता है और किस तरह से प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व करते हैं उसके बाद एक गर्ट साइकोलॉजी अ थेरी ऑफ साइकोलॉजी दैट मेन्टेन्स दैट वे परसीव थिंग्स एज होल्स रदर दैन एज अ कम्पलीशन ऑफ पार्ट्स और और साइकोलॉजी वाले बात करते हैं होल की होल इज ग्रेटर दैन सम ऑफ इट्स पार्ट के होल जो है कुल जो है वो अपने अज्जा के मजमू से बढ़ाए आगे जी है नेचर नर्चर डिबेट कि नेचर क्या है नेचर आवर जेनेटिक डिटरमाइन आवर बिहेवियर आवर पर्सनैलिटी ट्रेट्स एंड अबिलिटीज़ और इन आवर नेचर कि नेचर जो है वो आपके जीन्स के बारे में है। वो चीज़ें जो आप जो हैं इन्हेरिटेड करते हैं जो आपको विरासत में मिलती हैं पेरेंट्स से और नर्चर आवर इन्वायरमेंट अप ब्रिंकिंग एंड लाइफ एक्सपीरियंस डिटरमाइन आवर बिहेवियर वी आर नर्चर टू बिहेवियर इन सरटेन वेज और नर्चर जो है वो आपके इन्वा इन्वायरमेंट की बात करते हैं कि आप जो है अपने इन्वायरमेंट से जो चीज़ें लर्न करते हैं वो आपकी नर्चर पे बेस करती हैं अब नेचर नेचर इज़ ऑल अबाउट दोज करैक्टरिस्टिक्स दैट आर इनहेरिटेड फ्राम जीन्स और फ्राम योर पेरेंट्स एंड नर्चर इज़ अबाउट होज करेक्टरिस्टिक्स विच डिवेलप फ्राम एक्सपीरियंसिस एंड इन्वायरमेंट नेचर में जो चीज़ें हैं वो आपके पेरेंट्स से जो आपको मिलती हैं जीन्स में इनहेरिट जो इन्हीटडी होती है आपकी और नर्चर वो चीज़ें जो आप लोग खुद एक्सपीरियंस करते हैं आउटर वर्ल्ड से वो सब चीज़ें तो नेचर और नर्चर जो है वो आपस में इंटरलिंक है दोनों चीज़ें हैं जो हैं उनकी अपनी value, अपनी वैल्यू अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है थ्री मेजर वेज ऑफ थिंकिंग अबाउट ह्यूमन एक्सपीरियंस कंटिन्यू टू इन्फ्लुएंस द फील्ड टुडे द नेचर नर्चर डिबेट द माइंड बॉडी प्रॉब्लम एंड इवोल्यूशनरी थ्योरी अब नेचर नर्चर जो हैं उनका आपस में लिंक है कि इंसान जो है कुछ चीज़ें जो हैं वो अपनी जीन् से अपने पेरेंट्स से सीखते हैं या हासिल करते हैं और कुछ चीज़ें जो हैं नर्चर जो है वो इंसान का जो बिहेवियर है वो अपने जो है लर्न करता है अपने आउटर वर्ल्ड से द नर्चर ऑनली साइड सेज दैट वी आर ऑल इसेंशली द सेम एट बर्थ एंड वी आर द प्रोडक्ट ऑफ आवर एक्सपीरियंसिस जोहन लाग पॉपुलराइज द आइडिया दे आर द न्यू बॉर्न ह्यूमन माइंड इज़ अ ब्लैंक सेट ऑन विच द एक्सपीरियंसिस ऑफ लाइफ आर रिटर्न तो नर्चर की वैल्यू हमें वहाँ से एग्जाम्पल से पता चलती है जहाँ पर बात हुई थी जोहन लाग की जोहन लाग ने जो दिया था डबल रासा का कॉन्सेप्ट हमें उसमें पता चलता है कि हम लोग जो है अपने आउटर वर्ल्ड से जो है एक्सपीरियंसिस हासिल करते हैं आगे जो है जो न, न, नेचर जो है या पेरेंट्स जो हैं पेरेंट्स के जीन्स जो हैं वो हमें किस तरह से अफेक्ट करते हैं यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है हे आरज एनदर एग्जाम्पल पीपल हुज मदर्स डेवलप एन इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आर मोर लाइकली टू डेवलप शीजोफेनिया दैन पीपल हुज मदर्स वर हेल्दी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के कुछ चीज़ें जो हैं वो आप अपने पेरेंट्स से लेते हैं कि अगर पेरेंट्स को शीजोफेनिया है तो उसका अफेक्ट जो है वो बच्चों पर भी पड़ेगा तो मोस्टली ऐसा होता है कि कुछ बच्चों को भी जो है वो डिसऑर्डर्स या वो डिसीजेज़ होती हैं तो इस तरह से, से नेचर और नर्चर दोनों चीज़ें जो है वो इंसान की पर्सनैलिटी बनाते हैं इंसान के करेक्टर बनाते हैं इंसान का बिहेवियर बनाते हैं तो नेचर थ्रू नर्चर द पोजिशन दैट द इन्वायरमेंट कॉन्स्टेंटली इंटरेक्स विद बायोलॉजी टू शेप हु वी आर एंड वट वी डू तो नेचर और नर्चर जो है वो हमारी पर्सनैलिटी बनाती है वट वे आर एंड वट वी डो जो हम करते हैं और जो हम हैं आगे है माइंड बॉडी डॉलिजम तो माइंड और बॉडी जो है वो दोनों चीज़ें भी हैं आपस में इंटरलिंक है किस तरह से सिंस इट्स इनसेप्शन साइकोलॉजी हैज़ बीन बर्डन बाय अनदर बिग आइडिया ऑफ वेस्टर्न थिंकिंग माइंड बॉडी डॉलिज्म इन द सेवनटीन सेंचुरी रैनी डिगॉज ऑफ फ्रेंच फिलासफर एंड मैथमटिशियन ऑफर्ड प्रूफ ऑफ मैनी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स बट ही प्रपोज वन आइडिया डेट क्रिपल दोशल्ट माइंड एंड द बॉडी आर सेपरेट इंटायर दिस आइडिया इज ऑफ रेफर टू अ माइंड बॉडी डोलिज्म अब यहाँ पे माइंड बॉडी डोलिज्म में कॉन्सेप्ट क्या है कि माइंड एक अलग चीज़ है और बॉडी एक अलग चीज़ है लेकिन दोनों चीज़ें आपस में इंटरलिंक है माइंड का बॉडी पे इफेक्ट होता है और बॉडी का माइंड पे इफेक्ट होता है The stated that the mind and body are separate ent entities. This idea is often referred to as mind-body dualism. From this perspective, the mind controls the body. The body can occasionally control the mind too. Now, two things, one, control mind-body control or body or mind is control. The body can occasionally control the mind too, but mainly when we abandon good judgment, such as in the theories of passion, mostly in Descartes' view, mind and body are separate. Dualism or separation of mind and body allows for the ideas that a soul survives bodily death, the mind is separate from the brain, humans are superior to animals. Mind and body are both useful concepts, but they are equitably intertwined. That which we call माइंड रिजर्व फ्राम द फंक्शनिंग ऑफ आवर ब्रेन विच इज़ इन डीड पार्ट ऑफ द बॉडी अब यहाँ पर बात की गई है कि माइंड रिजर्व फ्राम द फंक्शनिंग ऑफ आवर ब्रेन कि माइंड जो है वो हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग का रिजल्ट होता है और ब्रेन क्या है हमारा वो हमारा बॉडी का पार्ट है तो इस तरह से माइंड और बॉडी जो है वो आपस में इंटर लिंक करते हैं लेकिन दोनों सेपरेट पार्ट सेपरेट चीज़ें हैं माइंड अलग चीज़ है बॉडी अलग चीज़ है लेकिन दोनों आपस में इंटरलिंक करते हैं बोथ द नेचर नर्चर एंड माइंड बॉडी डिकॉटमीज वेस्टर्न थॉट एंड द डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी एज अ फील्ड नोटिस दैट वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट वेस्टर्न थिंकिंग इन डीट मॉडर्न साइकोलॉजिकल साइंस ग्रो फ्राम द मैरिज ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी एंडियोलॉजी विद वुडन्स लेबॉट्री इज लिपसिंग इन द फर्स्ट चायन कॉन्ट्रास्ट सिस्टम ऑफ था फ्राम एल्सवेयर इन द वर्ल्ड अब माइंड बॉडी डोलिज्म एंड नेचर नर्चर डिबेट ये दोनों चीज़ें जो हैं ये वेस्टर्न थिंकिंग से हैं नेचर नर्चर जो है वो भी आपस में इंटरलिंक करते हैं दोनों सेपरेट चीज़ें हैं एंड माइंड बॉडी जो हैं वो दोनों सेपरेट चीज़ें हैं सेपरेट कॉन्सेप्ट हैं लेकिन दोनों आपस में इंटरलिंक हैं आगे जी है द एवोल्यूशन ऑफ बिहेवियर

A natural selection, a feedback process whereby nature favors one design over another because it has an impact on reproduction. Evolution theory, hai, evolution psychology, kya hai. evolution psychology is the branch. It is the branch of psychology that studies human behavior by asking what adaptive problems it may have solved for our early ancestors evolution psychology jo hai is a branch of psychology, he a psychological branch hai that tries to understand what adaptive problems the human mind and may have solved in the distant past and the effect of evolution on behavior today. rather than just describing what the mind does, evolutionary psychologists are interested in the functions of the human mind. evolutionary changes in organs and bodily structures और कलर एज इन आवर बिटल एग्जाम्पल और नॉट टू अंडरस्टैंड बट हाउ डू ह्यूमन बिहेवियर इन्वॉल्व अब एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी में चेंज की बात हो रही है यहाँ पर उन्होंने जो है वो नोटिस किया हुआ है कि इंटरेस्टेड इन द फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन माइंड ये ह्यूमन माइंड के फंक्शन की बात करते हैं और एवोल्यूशन की बात करते हैं चेंज की बात करते हैं लेट्स कंसिडर द इमोशन एज एन एग्जाम्पल ऑफेवियर अडोप्टेन इन चैप्टर इलेवन We discuss emotion in detail and explore those feelings that move us powerful. For now, imagine that you are driving on the highway and the car in the lane next to you has just cut you off. You have to slam on your brakes to keep from smashing into it. You are shaking with the fight, with the fright. The possible car accident is an immediate cause of your fear. But why do you experience this intense bodily reaction called fear?

और उसका एक्सीडेंट हुआ है और आप देख रहे हैं वो चीज़ तो आपकी जो है हार्ट बीट जो है वो फास्ट हो गया आपके अंदर जो है वो चेंजिंग्स आना शुरू हुए हैं आपने जो है वो उसको देख के फेयर फील किया है तो उस फेयर के अकॉर्डिंग जो है आप जो है ड्राइविंग जो है अपनी वो ठीक करते हैं स्लो करते हैं तो इस तरह से जो है आपकी वो कह रहे हैं कि वट वी कॉल फेयर इंक्लूडिंग द वे इट इन्वॉल्व आवर बॉडीज इम्पल्स अस टू एक्ट एंड मेक्स आवर हार्ट रेस कि इससे जो है आपके दिल की धड़कन तेज़ हो जाएगी आपको जो है वो फेयर फील होगा बिकॉज़ इट विधर तो इससे जो है आप डेंजर से या खतरे से जो है वो क्विकली जो है और एफिशेंटली है वो आप कंट्रोल कर लोगे या फाइट कर लोगे ये थी वाल साइकोलॉजी साइकोलॉजी में चेंज की बात की उन्होंने कि किस तरह से जो है वो ह्यूमन uh, माइंड जो है या ह्यूमन थिंकिंग जो है वो चेंज होती है या सिचुएशन चेंज होती है तो आज हम लोगों ने बात की है हिस्ट्री पे हिस्ट्री ऑफ द साइंटिफिक साइकोलॉजी हिस्ट्री ऑफ द साइंटिफिक साइकोलॉजी में हम लोगों ने जो है वो डिफरेंट जो है स्कूल ऑफ थाट्स उनके बारे में देखा है जिसमें था स्ट्रक्चरज़म फंक्शनलिज्म बिहेवियरिज्म कॉगनेटिविज्म ह्यूमिस्टिक एंड पॉजिटिव साइकोलॉजी केस्टॉर्ड साइकोलॉजी उसके बाद हम लोगों ने बात की है नेचर एंड नर्चर डिबेट पे माइंड एंड बॉडी वालिज्म पे एंड एवोल्यूशन ऑफ बिहेवियर पे तो आज आप का आपका लेक्चर जो था वो इतना ही था आगे जो है मेकिंग कुनेक्शन इन साइकोलॉजी जिसमें आप लोगों की साइकोलॉजी के डिफरेंट एरियाज हैं कोगनेटिव साइकोलॉजी है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है सोशल साइकोलॉजी है पर्सनैलिटी साइकोलॉजी है हेल्थ साइकोलॉजी है क्लिनिकल साइकोलॉजी है इन सब के बारे में जो है, है आपको इंट्रोड्यूस करा चुकी हूँ मैं तो इसलिए आप लोगों का टॉपिक जो था वो यहाँ तक ही था आप आगे जो है नेक्स्ट टॉपिक को रीड कर लीजिएगा और उसके बाद जो है नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों का चैप्टर टू स्टार्ट होगा द बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर तो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग चैप्टर टू में द बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर उसकी बात करेंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज